लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। लो भाई निकल गए लेवल। कुछ लोग काव्या मरण पे हंस रहे थे पैट कमिंस को 20 करोड़ में खरीदने के लिए। वो लोग आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे भाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन यार जो भी हो, यहाँ पे ना तारीफ करनी होगी पैट कमिंस की कैप्टनसी की। पैट कमिंस ने पहले 2023 में WTC जीता, उसके बाद 2023 का एशेस रिटेन किया, उसके बाद टीम इंडिया को हरा के 2023 का ODI वर्ल्ड कप जीता। और तो और ये बंदा 2023 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर था, और IPL के फाइनल में पहुंचने से पहले इस बंदे ने कह दिया था कि मैं आ रहा हूं फाइनल्स के लिए। जो मैं बोलता हूं, वो मैं करता हूं। जो SRH की टीम पिछले 3 साल से IPL में लास्ट में फिनिश कर रही थी, उसको पहले ही अटेम्प्ट में ये बंदा फाइनल में लेके आ गया है। वैसे फाइनल में तो पिछली बार हमारी टीम इंडिया भी पहुंची थी। सॉरी। चलो इस मैच के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, मगर तुम्हें बता दूं, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो अपने अंगूठे और उंगली को काम पे लगाओ, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाओ। तुम लोगों को एक सीक्रेट बात बताऊं, ये IPL तो पहले से ही फिक्स था, क्योंकि SRH वर्सेस KKR के फाइनल्स की तैयारियां तो प्लेऑफ से पहले ही शुरू हो गई थी। ये गड़बड़ है बाबा। मानना पड़ेगा यार, अपना जयशा है तो गजब का स्क्रिप्ट राइटर। इस बंदे को टीम इंडिया की बहुत ज्यादा फिक्र है, इसीलिए IPL फाइनल में वो दो टीमें पहुंचाई हैं जिसमें कोई भी टीम इंडिया का प्लेयर ही नहीं है। यहाँ पे ये लोग फाइनल खेलते रहेंगे, वहाँ हमारी टीम इंडिया US जाके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगी। और तुम्हें पता है इस साल का IPL कौन जीतने वाला है? ये बात तुम्हारे भाई ने IPL शुरू होने से पहले ही बता दी थी। यकीन नहीं आता तो ये वाली शॉट देख लेना जाके। आज से पहले SRH ने 2 बार IPL की ट्रॉफी जीती है, और दोनों ही बार SRH का कैप्टन था एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। और इस IPL में SRH का कैप्टन कौन है ये तो तुम्हें पता ही है। SRH की टीम RR को वन साइडेड गेम हरा के फाइनल्स में पहुंच गई। और भाई तुम्हें बताऊं, SRH की हार का जिम्मेदार ना ही रविचंद्र अश्विन है ना ही UG चहल है। इतिहास गवा रहा है, एक औरत ने अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं को बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है? राजस्थान रॉयल्स की हार की जिम्मेदार है ये औरत। इस औरत ने ये वाला इशारा करके पैट कमिंस को चिढ़ा दिया, और हमारे पैट भैया दिल पे ले गए इस बात को। पूरी आरआर टीम और उनके फैन बेस को चुप करा दिया। हमारे पैट भैया बोले, आज तुम्हें हराऊंगा तो सही, मगर जलील करके हराऊंगा। RR की टीम को हराने के लिए इनके मेन बॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ी, इनके पार्ट टाइमर्स ने कमाल करके दिखा दिया। भाई शाहबाज और अभिषेक की बॉलिंग देख के UG चहल और रवि अश्विन को थोड़ी सी शर्म तो आ ही होगी। वैसे जिन लोगों को याद नहीं है, मैं याद दिला दूं, शाहबाज पिछले साल RCB का प्लेयर था। यार ये कमाल की चीज है ना, RCB से जो प्लेयर बाहर निकलता है आगे जाके स्टार बन जाता है, और स्पेशली उस बंदे को महेंद्र सिंह धोनी या फिर पैट कमिंस जैसा कैप्टन मिल जाए। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। इस मैच के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता क्या है? राजस्थान की टीम पूरे मई के महीने में सिर्फ एक ही बार फॉर्म में आई, वो भी RCB को हराने के लिए। RCB के फैंस, आ गया सुकून, पड़ गई कलेजों को ठंडक। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार।